हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक सीरीज चल रही है रेलवे के एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जो कि 2016 में कंडक्ट कराए गए थे उनकी। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल 2016 को जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 3 में जीके के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी यहाँ पे बात करेंगे और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है जीके का कि लॉगिन नाम और पासवर्ड का जो सत्यापन है ये किस लिए किया जाता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो, 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए कि लॉगिन नाम और जो पासवर्ड है इसका सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो भाई, लॉगिन नाम और पासवर्ड की बात करें तो इसका सत्यापन किया जाता है कि जो यूजर होता है इसके प्रमाणगण के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, कंप्यूटर है इसमें छेड़छाड़ से बचाने, मतलब जो कंप्यूटर होता है उसको छेड़छाड़ से बचाने के लिए और मतलब अनचाही जो सूचना होती है इनको बनाए रखने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पासवर्ड का, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने देख ली है। अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का जो स्मारक है ये कहाँ पाया जाता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, या फिर बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो देखो, खजुराहो की बात करें तो इसका जो स्मारक है ये है मध्य प्रदेश में। तो जो हमारा आंसर होगा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाइस, देखिए एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो एनटीपीसी 2016 के जो सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, 2016 में जो पूछे गए ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, तो देखिए अभी हिंदी में करा रहे हैं, पर जैसे ही हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट जितने भी हुए थे 2016 में पेपर, उसके बाद फटाफट से हम क्या करेंगे, इंग्लिश के स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए एक साथ बहुत ज्यादा लोड आ जाता है और आप लोगों की तरफ से भी इतना ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स मिले, अच्छा रेस्पॉन्स मिले, तो हम साथ ही साथ कर सकते हैं कि एक दिन में मतलब इंग्लिश का भी डाल दे और हिंदी का भी डाल दे। तो चलो फटाफट से देखो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। आंसर हम देख चुके हैं कि खजुराहो का स्मारक ये कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। तो थोड़ा सा और जानते हैं खजुराहो के बारे में। तो देखो, खजुराहो की बात करें तो भाई मध्य प्रदेश में छतरपुर नाम का जिला है वहां पे ये स्थित है, ठीक है। दूसरी चीज की खजुराहो की बात करें, एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो खजुराहो है ये किस वंश की राजधानी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खजुराहो ये चंदेल वंश की राजधानी थी, किसकी, चंदेल वंश की, ठीक है। और देखो, चंदेल वंश की यहाँ पे बात होगी तो चंदेल वंश के जो संस्थापक है ये कौन थे, तो इनका मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, नुन्नंक, ठीक है, ये नाम है इनका, नुन्नंक थे संस्थापक, किसके, चंदेल वंश के, ठीक है। दूसरी चीज की जो ये खजुराहो स्मारक है इसमें कांदारी महादेव और जो चतुर्भुज मंदिर है ये विख्यात है इसमें, और यहाँ की जो दीवार है ना उन पे असली चित्र यहाँ पे चित्रण है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, विश्व क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था, ये हमें यहाँ बताना है। तो ऑप्शन है कुमार संगारा, या फिर एबीडी विलियर्स, या फिर रॉस टेलर्स, या फिर सईद अनवर। तो आंसर हो जाएगा ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुमार संगारा, ठीक है, संकारा, ठीक है, ये हमने देख लिया है। और जो कुमार संगारा की बात करें तो भाई श्रीलंका का स्टार क्रिकेटर है ये, और साथ ही साथ देखो अब यहाँ पे विश्व कप क्रिकेट की बात हो गई है, तो विश्व कप क्रिकेट की बात करें तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो गाइस, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, ये हमें बता देना है। तो ऑप्शन है पेरिस में, या फिर वॉशिंगटन में, या फिर जेनेवा में, या फिर न्यूयॉर्क में। तो देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और जानते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो ये मैनहट्टन द्वीप है इस पे स्थित है ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसको मतलब कि कौन से देश ने अमेरिका को उपहार के रूप में दिया, तो भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसको फ्रांस देश है, फ्रांस ने उपहार के रूप में दिया था किसको, अमेरिका को, ठीक है। तो ये सारी चीज देख लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ये है GSAT-15। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, GSAT-15 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा है ये नागालैंड की राजधानी है। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दूसरी चीज, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड कब, मतलब कि भारत का जो राज्य बना नागालैंड वो कब बना, तो ये बना 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड है ये भारत का एक राज्य बना। और देखो नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये चीज देख लिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर है ये हो जाएगा बी, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है कि किस देश ने 2016 का अंडर 19 विश्व क्रिकेट विश्व कप है ये जीता? तो भाई उस देश का नाम बताना है जिसने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो ये जीता किसने? वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी देख लिया है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरो है ये कौन से देश के, मतलब यूरो है ये किसकी मुद्रा है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखे यूके की, या फिर स्वीडन की, या फिर जो यूरोपीय जोन है इसकी, या फिर डेनमार्क की। तो देखो यूरो की बात करें तो जो यूरोपीय जोन है इसकी मुद्रा होती है यूरोपीय जोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो ताशकंद घोषणा है ये की गई थी, ये बताना है यहाँ पे किस वर्ष में हुई थी, मतलब किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद जो ये ताशकंद घोषणा है ये हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। तो जो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 1965। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दस, अब यहाँ पे ये तो हमने देख ली भाई कब हुई थी घोषणा, लेकिन एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो देखो 10 जनवरी और 1966 को क्या हुआ था कि जो ताशकंद समझौता है ये हुआ था। और ताशकंद की बात करें तो जो ताशकंद है ये उस समय क्या पूर्व सो, मतलब उस समय पूर्व जो सोवियत संघ है इसका भाग था, लेकिन वर्तमान में किस में पड़ता है ताशकंद? तो वर्तमान में है ये उज्बेकिस्तान में। किस में? उज्बेकिस्तान में। और ताशकंद है इसमें ही क्या हुआ था, जो लाल बहादुर शास्त्री है इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ये किसे माना जाता है? तो भाई भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये है परम 8000। तो जो आंसर है सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परम 8000। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी उठता है यहाँ से कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, और भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात करें कि जो भारत में ही बना, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ठीक है, ये भी देख लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये क्या थी, ये यहाँ पे बता देना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने हुए भवन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एनजीटी की फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है। तो देखो एनजीटी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो जो आंसर है डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, दूसरी चीज की जो एनजीटी है इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको बताना है। तो एनजीटी की स्थापना हुई 2010 में। ठीक है, और इसका न्यायालय की बात करें तो ये है नई दिल्ली में। अगला है कि भारत खालिस्तान में यानी कि किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य है इसके प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो ये आया था 1858 में। तो जो आंसर है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1858। ठीक है,
और देखो 1857 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, 1857 ईस्वी में जो क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को जो लॉर्ड कैनिन है, इनकी इलाहाबाद से महारानी विक्टोरिया है इसकी उद्घोषणा के प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ था। ठीक है, ये देख लिया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्वराज पार्टी है, इसके संस्थापक कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। तो स्वराज पार्टी की बात करें तो इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। तो जो आंसर है बी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा हमारा। और देखिए 1923 में, यहाँ पे मैं ईयर लिख रही हूँ, 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में ये किया गया था स्वराज पार्टी, और मतलब कि इसका गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सदन के अंदर प्रवेश करके करके और जो ब्रिटिश सरकार है इसका विरोध करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2012 में ओलंपिक में जो 2012 में जो ओलंपिक हुए उसमें अधिकतम गोल्ड मेडल है ये किस देश ने जीते, ये हमें बताना है। तो ये जीते थे अमेरिका ने, तो जो आंसर है ये यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। और जो देखो कौन से देश ने आयोजित कराए, तो 2012 में जो ओलंपिक हुए थे इनको आयोजित कराया था लंदन ने। ठीक है, और इससे पहले 2012 से पहले जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे 2008 में हुए थे, और 2012 के बाद, क्योंकि चार चार साल के गैप से होते, तो 2012 के बाद हुए थे 2016 में हुए थे, और 2008 में तो ये हुए थे बीजिंग में हुए थे, और 2016 में ये हुए थे रियो दी जनेरियो ब्राजील में हुए थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कि इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है, तो इसको हमें बताना है कब लॉन्च किया गया था। तो भाई इसको लॉन्च किया गया था 2013 में। तो जो यहाँ आंसर होगा बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा आर्यभट्ट, जिसको 1975 ईस्वी में छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के थलीय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा है वो कितना है, ये हमें यहाँ पे बता देना है। तो ये है 2.4% है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा 2.4%, यानी बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ICT की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, और ICT की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो जो आंसर है डी, यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी। ठीक है, अब दूसरी चीज की जो ICT की बात करें, तो ICT अभियंता क्षेत्र का जो एक प्रमुख विभाग है जिसमें सूचना एवं संचार है, इसका विशेषज्ञ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली है। अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस, देखते हैं कि आगे हमसे क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नासा है इसका हेडक्वार्टर बता देना है हमें, कि नासा का जो मुख्यालय ये कहाँ पे है ये बताना है। तो गाइस नासा की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में, तो जो आंसर है बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन। ठीक है, अब देखो नासा की बात करें तो ये अमेरिका है, इसकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक संगठन है, और अगर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम संगठन पूछा जाए तो वो है इसरो। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करें जिसे कहते हैं COP 21, तो ये 2015 का हमसे पूछा है कि 2015 की है हुई, इसको कहाँ पे आयोजित की गई इसको ये बताना है। तो इसको आयोजित किया गया था पेरिस में, तो जो आंसर होगा पेरिस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इससे पहले जो COP 20 की हुई थी, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ COP 20 की, वो हुई थी 2014 में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, लीमा में हुई थी। और जो COP 1 की बात करें तो COP 1 की शुरुआत हुई थी 1995 में हुई थी, कहाँ पे, बर्लिन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं मिलती है। तो देखो यहाँ पे एक एक को चेक करते हैं, नर्मदा है ये अरब सागर में मिलती है, ताप्ती भी अरब में मिलती है, पेरिहार भी मिलती है, लेकिन जो ये महानदी है ये अरब सागर में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो जो आंसर है डी हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, आंसर हम देख ही चुके हैं यहाँ क्या आंसर है हमारा, डी यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन देखो नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश है, इसकी मुख्य नदी है, लेकिन पेरियार की बात करें तो ये केरल है, इसकी मुख्य नदी है, और महानदी की बात करें तो महानदी पे हीराकुंड बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों
को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो भाई ये थी सोनार। तो जो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनार। अब सोनार का आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सोनार का जो प्रयोग है वो गोताखोर समुद्र के अंदर की जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और रडार की बात करें तो देखो रडार का जो यूज किया जाता है वो जैसे वायुयान हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, इसके जो संकेत होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलर क्या है, ये हमें बताना है। तो कंपाइलर की बात करें तो कुछ नहीं है, ये बस एक सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो राज्यसभा है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस राज्यसभा की बात करें तो इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपर हाउस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। और देखो एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आर्टिकल 80 है, इसके अधीन हुआ था। और जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है जिसके कार्यकाल का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का, तो ये होता है 6 वर्ष के लिए होता है। और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो ये होते हैं 250, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो थलीय सीमा है ये किसके साथ है। तो बांग्लादेश की बात करें तो इसकी जो थलीय सीमा है ये है भारत और म्यांमार के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बांग्लादेश की बात हुई है, तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पूरी तरह से स्वतंत्रता कब मिली थी बांग्लादेश को, तो ये मिली थी 16 दिसंबर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिली थी। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और करेंसी है टका, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोजेक्ट लून खालिस्तान की एक खोज यानी कि सर्च इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले जो हीलियम से भरे गुब्बारे का प्रयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है। तो ये क्या है, जो प्रोजेक्ट लून है ये एक गूगल की एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा गूगल, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस ये थे क्वेश्चंस जो कि 5 अप्रैल 2016 को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था शिफ्ट 3 का, उसमें पूछे गए थे जीके के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटे के चिन्ह को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।